दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रेखा आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल ब्यूटी पार्लर का कोर्स, बेसिक से एडवांस तक दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों, अभी हमने स्टार्ट किया था हेयर में, हेयर एनालिसिस का टॉपिक। हेयर एनालिसिस में मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोज में हेयर टेक्सचर एंड हेयर पोरोसिटी हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हेयर इलास्टिसिटी। हेयर इलास्टिसिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कैसे हम उसको चेक करते हैं, आज के वीडियो में इन डिटेल में आपको इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर एनालिसिस मतलब हेयर के बारे में जानना। दोस्तों, हेयर के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी आप केमिकल सर्विस करते हैं, कोई भी कलर कर रहे हैं हेयर पर, तो सबसे पहले आपको हेयर को एनालाइज करना है कि हेयर किस तरह का है, किस तरह की कंडीशन है हेयर की, ताकि आप हेयर के अकॉर्डिंग क्लाइंट को सजेशन दे पाए, हेयर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को चूज कर पाए, प्रोडक्ट की टाइमिंग को सेट कर पाए, ताकि आपको क्लाइंट को आप एक बेहतरीन रिजल्ट दे पाए उनके बालों को डैमेज किए बिना। अगर आपको हेयर को एनालाइज करना नहीं आता है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाया आपने और लगा दिया, तो क्लाइंट के बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, कोई भी केमिकल सर्विस कर रहे हैं आप, कोई भी कलर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हेयर को स्टडी करना है अच्छे से कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हेयर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा हेयर टेक्सचर आता है, हेयर की पोरोसिटी आता है। तो ये दोनों मैंने आपको करा दिया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर की इलास्टिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेयर की इलास्टिसिटी से ही हमें बालों की स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे बाल कितने स्ट्रांग हैं एंड कितने वीक हैं। तो हेयर की इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन बालों का। बालों का लचीलापन इलास्टिसिटी क्या होता है दोस्तों? बालों का लचीलापन बालों को खींचने की क्षमता है, और बालों को बिना टूटे अपनी मूल इकाई में लौटना हेयर का लचीलापन है। मतलब हेयर की इलास्टिसिटी ये होता है कि जब हम हेयर के एक स्ट्रैंड को लेते हैं, जैसे हमने हेयर का एक स्ट्रैंड लिया, एक बाल लिया, और उसको दोनों साइड से इस तरह से पकड़ के उसको जब हम खींचते हैं, ठीक है, इस तरह से हम खींचेंगे गीले बाल को, तो वो जितनी ज्यादा मात्रा तक लंबाई तक वो खींचता है और टूटता नहीं है, और बिना खींचे जब हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, जैसा हेयर है वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे बालों की इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी है। ये होती है बालों की इलास्टिसिटी, मतलब बालों को खींचने की क्षमता। खींचने की क्षमता मतलब बाल किस स्थिति तक, कहाँ तक वो बाल खींच पा रहा है और टूट नहीं पा रहा है। कुछ बाल क्या होते हैं, जैसे ही आप खींचने की कोशिश करेंगे बाल टूट जाता है बीच में से, वो खींचता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खींचता, और बाल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। मतलब उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, मतलब वो बाल वीक है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्लियर हो गया आपको। इलास्टिसिटी क्या होती है? बालों को खींचने की क्षमता, मतलब हमारा बाल कितनी, किस लेवल तक खींच पा रहा है और बिना टूटे वापस से अपनी नॉर्मल पोजिशन पे वो वापस आ जाता है। ये होती है हमारी हेयर की इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमारी हेयर की इलास्टिसिटी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ हेयर इलास्टिसिटी। तो सबसे पहला होता है हमारा हाई इलास्टिसिटी हेयर। हाई इलास्टिसिटी जो हेयर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर होता है और हेल्दी हेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस हाई इलास्टिसिटी हेयर में जब आप बाल का एक स्ट्रैंड लेते हैं, एक स्ट्रैंड खींचने पर बिना टूटे काफी आगे तक स्ट्रेच हो जाता है, तो बाल हाई इलास्टिसिटी वाले और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हाई इलास्टिसिटी हेयर जो होता है उसको हम एक स्ट्रैंड लेते हैं, गीला स्ट्रैंड आपको लेना है, बाल का एक स्ट्रैंड लेना है, और उसको जब आप खींचते हैं तो वो काफी आगे तक खींच जाता है, टूटता नहीं है, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वापस से वो अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। मतलब बाल बिना टूटे काफी लंबाई तक आगे तक खींच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो वो हमारी हाई इलास्टिसिटी हेयर है। और हाई इलास्टिसिटी हेयर जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हेयर होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग हेयर पर हम स्ट्रांग प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस हाई इलास्टिसिटी से हमें क्या पता चला कि हाई इलास्टिसिटी हेयर अगर है तो वहां पर हम स्ट्रांग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कम इलास्टिसिटी का हेयर होगा उस पर हम स्ट्रांग प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर जो है वो पहले से ही वीक है। अगर हम उस पर स्ट्रांग प्रोडक्ट को लगा देंगे तो हमारा जो हेयर है और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों मीडियम इलास्टिसिटी। मीडियम इलास्टिसिटी में क्या होगा कि अगर स्ट्रेंथ थोड़ा ही खींच पाता है, जितना हाई इलास्टिसिटी में खींच रहा है उससे कम खींच पा रहा है हमारा मीडियम इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो अगर कम खींच पा रहा है और बाल टूट जाता है, कम खींचने के बाद बाल टूट जाता है या फिर अपनी नॉर्मल स्टेज में वो वापस आ जाता है, तो हमारा वो मीडियम इलास्टिसिटी बाल है। मीडियम इलास्टिसिटी थोड़े कम स्ट्रांग होते हैं हाई इलास्टिसिटी हेयर से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कम इलास्टिसिटी मतलब लो इलास्टिसिटी हेयर। लो इलास्टिसिटी हेयर काफी ज्यादा वीक हेयर होता है, बहुत ज्यादा डैमेज हेयर होते हैं इन पर। बहुत इस तरह के हेयर पर बहुत ज्यादा केमिकल सर्विस पहले हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो उनकी इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है,
और बाल बहुत ज्यादा जल्दी टूट जाता है। अगर बालों को कॉम करते हैं तो इतने सारे बाल कॉम में आ जाते हैं जितने कि नहीं आने चाहिए, तो बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। हल्का सा आप स्ट्रेच करते हैं तो टूटते हैं, तो वो आपका बाल लो इलास्टिसिटी हेयर है। अगर बाल की स्ट्रेंथ खींचने की कोशिश करते ही टूट जाता है, जैसे हमने एक बाल लिया उसको हल्का सा स्ट्रेच ही किया है हमने, अभी पूरा स्ट्रेच नहीं किया, बस कोशिश ही की है स्ट्रेच करने की और बाल बीच में से ब्रेक हो गया, टूट गया, तो वो हमारा लो इलास्टिसिटी हेयर है। तो ये जो बाल होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, काफी वीक हेयर होते हैं। तो इस तरह के हेयर पर या तो हम क्लाइंट को सजेशन देंगे कि आपको अभी केमिकल सर्विस कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देनी चाहिए, केमिकल सर्विस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बाल पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हैं। अगर आप केमिकल सर्विस लेंगे तो केमिकल से आपके बाल और ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। अगर क्लाइंट नहीं मानते कि उन्हें करवाना ही है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आपको उस लो इलास्टिसिटी मतलब जो बाल वीक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट चूज करना है। यहाँ पर हम स्ट्रांग प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने स्ट्रांग प्रोडक्ट को यूज कर दिया तो बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हम हेयर को एनालाइज करते हैं, हर एक चीज हेयर की देखते हैं पहले कि किस तरह का प्रोडक्ट हम चूज कर सकते हैं हेयर के अकॉर्डिंग। दोस्तों कैसे चेक करें, चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने हेड के अलग अलग एरिया के एक एक बाल को ले लेना है। अलग अलग एरिया के बाल इसलिए क्योंकि हमारे हेड पर अलग अलग एरिया पर अलग अलग टेक्सचर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको टेक्सचर में बताया था हेयर की अलग अलग पोरोसिटी हो सकती है। सेम उसी तरीके से हमारे हेड के अलग अलग एरिया के अलग अलग बाल की जो है इलास्टिसिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो हमें एक एक स्टैंड ले लेना है अपने हेयर लाइन से, टेम्पल से, क्राउन से एंड नेप एरिया से, एंड देन उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बाल को गीला कर लेना है। गीले बाल पर आप अच्छे से उसको चेक कर पाएंगे, क्योंकि जो गीला हेयर होता है वो स्ट्रेच करने में इजी हो जाता है, अच्छे से स्ट्रेच हो पाता है। लेने के बाद उसको दोनों साइड से आपको सेफली पकड़ लेना है एंड खींचने की कोशिश करनी है। जब आप उसको खींचते हैं तो वो अच्छे से अगर स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और टूट नहीं रहा, टूटने पर जैसे ही आपने बाल को छोड़ा वापस से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, तो हमारा हेयर क्या है, हाई इलास्टिसिटी हेयर है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हेयर है हमारा, ठीक है। लेकिन यदि बाल स्ट्रेच होते हैं और बिना टूटे अपनी मूल इकाई के लिए वापस आने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, आपने स्ट्रेच किया लेकिन वो बाल टूट गया, बिना टूटे वापस से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाया और पहले ही वो बीच में ही टूट गया, तो हमारे जो बाल हैं वो कम लचीलापन है बालों में, मतलब लो इलास्टिसिटी हेयर है, हमारे बाल वीक है, स्ट्रांग नहीं है। इस तरह से आप बालों की इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हेयर की इलास्टिसिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है और किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्किन मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेमोस के साथ मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, यूं ही प्यार बढ़ती रहे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।